5 hours in a month. Fucking round at them right now. Ain't tryna tell you what to do. We're tryna play cool. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Lost in Trans में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि यहाँ का पिछले टाइम हमने वीडियो बनाया था, बहुत ही रिस्पांस आया था, वीडियो भी अच्छे ही वायरल हुआ था। लेकिन और आशा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का जो प्राइस है बाकी जहाँ भी डीलर है उनसे बहुत ही कम रहता है यहाँ का प्राइस। और ना यहाँ आपको कार ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं है, जो भी कार रहती है वो जल्दी से जल्दी सेलिंग हो जाती है। इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ कॉल कीजिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ वीडियो अगर किसी को भी सपोर्ट चाहिए या फिर किसी को मेरे थ्रू गाड़ी का पता लगाना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसमें इंस्टाग्राम के थ्रू। तो मेरा आई डी नंबर है चित्रांश 12345, स्क्रीन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अच्छी अच्छी कारें आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। हम आपको i20 बताने वाले हैं। ये है 2011 का मॉडल है, स्पोर्ट्स है, i20 स्पोर्ट्स में है, और ये ज़्यादा महंगी नहीं है। 2011 का मॉडल है i20, जो बहुत डिमांडेंट कार है। मैं आपको पहले अंदर का इसका व्यू दिखाता हूँ, फिर इसका डिटेल्स भी आपको देता हूँ। चलिए अंदर का देखते हैं। इसमें देखिए म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, कंपनी फिटेड सीट कवर लगी हुई है। और बाकी इसका प्राइस की हम बात करें तो 2,60,000 इसका प्राइस है। आने के बाद भी कुछ नेगोशिएट हो जाता है। पीछे का भी हम कंडीशंस देखते हैं, उसमें पावर विंडो दिया हुआ है, एसी ऑन है, टायर भी आपको दिखाएंगे इसके बाद। पहले अंदर का पूरा एरिया देख लेते हैं, आगे पीछे फ्रंट बैक, पीछे टायर का भी कंडीशंस देखते हैं। टायर का कंडीशंस भी बेस्ट है, इधर सामने का भी टायर। इसमें आपको यहाँ की कोई भी कारों में फॉल्ट नज़र नहीं आएगा, थोड़ा बहुत स्केच वगैरह रहेगा तो आप यहाँ करवा सकते हैं। और इसका हम पासिंग की बात करें तो CG04 रायपुर की पासिंग है। रनिंग हो सके तो आप कॉल करके पूछ लेना, रनिंग भी ज़्यादा नहीं हुआ होगा क्योंकि कार को देख तो रहते लग तो नहीं रहे ज़्यादा चला है कि नहीं। बाकी कंडीशंस वेल मेंटेन है, जैसे कि मैंने बताया 2011 का मॉडल है i20 स्पोर्ट्स, 2,60,000, और पासिंग है रायपुर। तो चलो इसके बाद होंडा का कार देखते हैं। इसके बाद ये दिखाएंगे आपको होंडा का जो चमक रही है कार, इसका कलर भी देखिए यूनिक है। और इसका हम बताएँगे तो ये WRV होंडा 2017 का मॉडल है VX MT करके, और इसमें आपको सनरूफ भी दिया हुआ है। आपको सनरूफ भी मैं दिखाता हूँ, देखिए सनरूफ दिया हुआ है। इसमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है टच स्क्रीन के साथ में, और इसमें पावर विंडोज मिलेंगे, एयर बैग्स है, एसी है। और इसकी पासिंग की हम बात करें तो CG04 रायपुर का पासिंग है। चलो आइए अंदर का मैं आपको एयर बैग्स वगैरह कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम सभी दिखाता हूँ। ये देखिए ये म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, इसमें विंडो दिया है, पावर विंडो है, म्यूजिक सिस्टम है टच स्क्रीन में। और ये कार देखिए पूरी लग्जरी कार है, होंडा का है, देखिए लोगो भी लगा हुआ है होंडा का। और इसका रनिंग जो है आप इसमें कॉल कर लेना भैया को, रनिंग का। पासिंग मैंने बताया ये रायपुर पासिंग में है CG04, और लंबी कार है, लग्जरी में आती है ये कार। देखिए एयर बैग दिया हुआ है, साथ ही आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम है और कंपनी फिटेड सीट कवर लगी हुई है। पीछे का भी मैं आपको टायर दिखाता हूँ, टायर्स भी बढ़िया है। पीछे का व्यू देखिए, जैसे कि मैंने बताया VX IDT करके लिया रखा है, IDTEC करके, WRV, सनरूफ भी दिया हुआ है। पीछे का भी थोड़ा मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ, तो चलिए इसके बाद मैं आपको ईऑन की कार दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये है ईऑन का कार, ये भी इसका कंडीशंस पहले देखिए कि ये बेस्ट कंडीशंस में। टायर की बात करें तो आपको 80% ओके मिलेगा, देखिए टायर भी 80% ओके है। और इसमें आपको यह ईऑन है, 2012 का मॉडल है, बाहर व्यू पहले दिखाते हैं आपको। ईऑन है, डी लाइट करके दिया हुआ है, प्लस हुंडई कंपनी की कार है, CG12। इसका कंडीशंस वेल मेंटेन है, अंदर से भी दिखाते हैं थोड़ी, अभी क्या लॉकडाउन में गाड़ी खड़ी इसलिए धुली हुई नहीं है,
तो आपको थोड़ा बहुत बाहर गंदा जरूर नजर आएगा। इसका हम देखते हैं, ये पावर विंडो दिया हुआ है, पावर स्टेयरिंग में है ये, और इसका प्राइस 1,90,000 प्राइस है। इसके पहले हमने होंडा जो देखा था वो 7,00,000 प्राइस है उसका। इसका अंदर का कंडीशन देखिए, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, पावर स्टेयरिंग में है, कंपनी फिटेड सीट कवर लगी हुई है, बाकी कंडीशन हमने देख लिया। इसके बाद मैं आपको सियाज का कार दिखाने वाला हूँ, बाकी कंडीशन हमने देख लिया है, आप इसके बाद सियाज की कार देखेंगे। दोस्तों ये है सियाज का कार है ये, इसमें आपको 2016 का मॉडल है, VDI में मिलेगा आपको। इसका पावर विंडो लग, इसके अंदर का पहले आपको कंडीशंस दिखाते हैं फिर बाहर का व्यू दिखाएंगे। इसमें देखिए AC लगा हुआ है, उसके बाद कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, इसमें आपको पावर विंडो मिलेगा, साथ ही कंपनी फिटेड सीट कवर लगा हुआ है, AC भी ऑन है, पीछे भी आपको बैक AC मिलेगा, पीछे से भी मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा। पावर विंडो दिया हुआ है देखिए, और इसका हम प्राइस बताएं तो आपको 6,00,000 इसका प्राइस है। एयरबैग्स भी है इसमें, 2016 का मॉडल है, सियाज VDI में है, एयरबैग्स मिलेगा। इसका पीछे से भी ये देखिए AC दिया हुआ है, साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कार भी लोगे तो टायर में भी कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा आपको। इसमें पीछे का कार टायर देखें तो ये आपको 60-70% ओके मिलेगा। पीछे का भी व्यू देखिए, कहीं से भी स्क्रैच नहीं है, कहीं से भी स्क्रैच नहीं मिलेगा। VDI में है ये, जैसे कि मैंने ये बताया 2016 का मॉडल है, VDI है, सियाज में, और ये आपको 6,00,000 में इसका पासिंग भी रायपुर CG04 है। सामने का फ्रंट्स दिखा देते हैं, CG04। इसके बाद और कार है, एक और उसको दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों, लगभग हमने अभी तक 4 कार दिखा चुका है, और ये है 5th नंबर की कार है, ये आपको फोर्ड फिगो है, ये आपको मिलेगा 2011 मॉडल का कार है, टॉप मॉडल में आता है जो। बाकी बाहर का व्यू पहले देखते हैं, बाहर का कंडीशन देखिए, टायर हो या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 60% ओके दिख रहा है। फोर्ड फिगो DTCI करके है, और CG07 जो दुर्ग भिलाई वालों के लिए, CG07 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल पासिंग है। बाकी इसके अंदर का हम कंडीशंस बताएंगे आपको, 2011 का मॉडल है ये, टॉप मॉडल में आता है, और इसका प्राइस है 1,75,000, 1,75,000। बाकी देखिए म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, AC भी ऑन है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, और सीट कवर भी अच्छी है। अब देखिए थोड़ा बहुत मॉडल 11 का हो गया है, कुछ भी काम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको बना के दिया जाएगा देखिए। और कुछ कारों में अगर इंश्योरेंस है कि नहीं, आप भैया को कॉल कर लेना, कुछ डिटेल्स आप, क्योंकि नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी, तो कॉल कर लेना भैया को। तो लगभग हमने सभी कार्स दिखा दिए आपको, इसका पासिंग भी बता दिया। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों बहुत लोग हैं जो हमारे चैनल में, 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए चैनल हमारे वीडियो को देखते हैं, तो उनसे आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो जो है सेकेंड हैंड गाड़ी के थ्रू, बहुत लोगों को कम से कम रेंज में चाहिए होता है, ट्रैक्टर्स हो या पिकअप हो, सभी कम बजट में, तो हमारे चैनल के थ्रू आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा सब्सक्राइब करने पर, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।